हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली बबीता के घर पहुंच गई वॉशिंग मशीन, और डीपी कंपनी वालों ने भेजा है अपना एक सरप्राइज गिफ्ट बड़े से बॉक्स में अपने सबसे पहले कस्टमर के लिए। तो डीपी कंपनी की वॉशिंग मशीन का पहला कस्टमर बबीता जी हैं, इसलिए जेठालाल भी काफी एक्साइटेड हो गया है बबीता जी को वो सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। लेकिन अय्यर जानबूझ कर ले गया बबीता को फिल्म दिखाने, ताकि जेठालाल बबीता से ना मिल सके। लेकिन जेठालाल भी कम थोड़े ना है, वो भी इंतजार कर रहा है रात भर बबीता जी के लौटने का, ताकि वो बबीता जी को वो सरप्राइज गिफ्ट दे पाए। तो फाइनली जेठालाल पहुंच जाता है बबीता जी के घर। अब क्योंकि गिफ्ट बॉक्स का साइज बहुत बड़ा है, तो सब अनुमान लगाने लगते हैं कि कोई महंगाई गिफ्ट होगा, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है तो सब हैरान हो जाते हैं, और अय्यर और बबीता हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है उस बॉक्स में कि वो हंसने लगते हैं और जेठालाल बेचारा हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि उसमें कोई छोटी सी चीज है, मतलब कि बॉक्स का साइज तो काफी बड़ा है लेकिन गिफ्ट बहुत ही छोटा लग रहा है। तभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जेठालाल का पोपट हो गया है फिर से। तो क्या हो सकता है वो गिफ्ट? शायद डिटर्जेंट पाउडर का बॉक्स, या फिर थैंक यू कार्ड, या फिर कुछ और छोटा सा गिफ्ट। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कंपनी का नाम धोबी पछाड़ है, तो उस बॉक्स में धोबी पछाड़ कंपनी का ही डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है, और साथ में एक थैंक यू कार्ड उनका पहला कस्टमर बनने के लिए, या फिर कोई और छोटा सा प्रोडक्ट। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि उस बॉक्स में ऐसा क्या होगा। तो आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और देखते हैं कि किस किस का गैस सही निकलता है। और दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बॉलीवुड टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें।